की आमद आमद है आमद आमद है आमद रसूल हमीद साहब किबला तिमन कर मगर जरूरी कैसा मसरूफियातों की नथन यम जन तम हिवत सपूद हुकुम वोत मगर अलहमदिल्ला कारवान इस्लामी शाख वसी अलीज तहरीक और इनशाला वोत हुकुम किस तमील तहत और ये पैगाम है कंगन किस आवाम चाहे पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चीन मशकूर हमो दुलूस इथ शूब परवरदिगार करीम कर जजाय खैर और इन बुजुर्गन इमंदारमन सारे मीडिया पर्सन मशहूर मयीन हमो ये तशरीफ वन अमीर तहसील कंगन और अमान साहब मंजूर साहब बाकी मुफ्ती अब्दुल गनी साहब अल्लाह परवरदिगार करीमा हमो हमो लको लको बचो या बाको अजीजों सानो जवानों सो खनियम खुद तकदव कर परवरदिगार इन कर जजाय खैर अता इन कर नामल बदल अता अल्लाह परवरदिगार खैर दारेन करता इज्जत दारेन करता अस कर हुबी नबी अता ख्याल नबी अता लोली नबी अता अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर रैली है वो मारगुंड से शुरू होकर अभी कंगन के ये मेन बाजार तक यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। ये दरअसल कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के अहतमाम से और जिसमें बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस और दारुलूमों ने शिरकत की, उनके जो तलबा है असातिज़ा है उन्होंने शिरकत की और उसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारा जम गफीर जो है अवाम ने इसमें शिरकत की। महज ये कारवान इस्लामी इंटरनेशनल की तरफ से ये जो पूरी वादी के अतराफ व अकनाफ में इस वक्त ये जुलूस निकलते हैं और इंशाल्लाह निकलते रहेंगे। माज इसके लिए कि एक अमन का पैगाम है भाई ना हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद दुनिया में एक अमन का पैगाम है और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर आज पूरी दुनिया जो पीस डे मनाती है उसी एतबार से हम भी जगह जगह वादी वादी में ये जुलूसों का एहतमाम कर रहे हैं ताकि जो हमारी आइंदा आने वाली पीढ़ी है उनको उनको ये मैसेज मिले कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के हवाले से आज हम देख रहे हैं। अब हमारे माशरती तौर पर जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है ज़्यादातर हमारे नौजवान जो है वो इस वक्त ड्रग्स और ये जो मनशियात में मुलवस है उनको वहाँ से निकल कर उनको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो हकीकत है उससे आशना कराया जाए और जो क्राइम रेट आज बढ़ रहा है बिलखसूस कश्मीर में तो उस एतबार से भी हम कोशिश करते हैं कि सीरत का पैगाम इस्लाही पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो आफाकी निज़ाम का दुनिया में लाया इस्लामी निज़ाम जो दुनिया में लाया उसकी रोशनी जो है घर घर पहुँचे एक गली गली पहुँचे इलाका जात में पहुँचे। जब लोग जलूस की सूरत में आएंगे तो यकीनी तौर सीरत सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वो रोशनास होंगे। बस यही हमारा नहीं बल्कि अब जो है बिरूनी रियासत और बिरूनी ममालिक में भी ये काम कर रहा है। आज इंटरनेशनल लेवल पर कारवान इस्लामी काम कर रहा है और हर एक जो जगह है वहाँ पर तो अमीरी कारवान का पहुँचना तो ये तो अब गैर मुमकिन लगता है क्योंकि अचानक उनको एक मीटिंग में जाना पड़ा और ज़रूरी कुछ बाकी मसरूफियात भी रहती है तो उस एतबार से जो हमारी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके फैसले के मुताबिक अमीरी कारवान को भी चलना पड़ता है। उनके फैसले के मुताबिक आज अमीरी कारवान को दूसरी जगह भेज दिया गया और हमें यहाँ पर भेज दिया गया ताकि हम यहाँ पर शिरकत कर सकें।